अरे आरती, राजू, अरे बाहर आओ। कल तो चिल्ला चिल्ला के तुम दोनों ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। अब लेकर आ गया तो आ नहीं रहे हो। अब दोनों को लेट नहीं हो रहा स्कूल के लिए? अरे पिताजी, ले आए पैसे। अरे मेरी बच्ची, तू कुछ बोली और मैं लेकर ना आऊं? अरे राजू, कहाँ था तू? वो पिताजी, मैं डांगरों को चारा डाल रहा था। अच्छा, डाल दिया? हाँ पिताजी। तो लाओ ना पैसे पिताजी। अरे बेटा, लाता हूँ ना। ये देखो, तुमने जितना बोला था उतने ही पैसे लेकर आया हूँ। ये देखो, ये पूरे 2000 रुपए हैं। अब जाके अपनी स्कूल की फीस जमा कर दो। पिताजी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे वो मैंने मालिक के वहाँ काम किया था ना, उन्हीं से लेकर आया हूँ। मैंने कहा बच्चों की फीस जमा करनी है तो ले आया। तुम ये सब छोड़ो, तुम फटाफट तैयार होके स्कूल जाओ। तुम्हें फीस भी तो जमा करनी है ना, और मैं भी काम पर चलता हूँ। ठीक है पिताजी। लेकिन आपकी साइकिल कहाँ है? हाँ पिताजी, आप पैदल जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं, वो बेटा मेरी साइकिल ना थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने वो मिस्त्री को दी है बनने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊँ। तो एक काम करो ना पिताजी, आज हमारी साइकिल ले जाओ, हम स्कूल पैदल चले जाएंगे। हाँ पिताजी। और उधर से आते वक्त हम तुम्हारी साइकिल उठा लाएंगे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तुम चले जाओ, मैं चला जाऊंगा पैदल, मुझे वैसे भी आदत है। पिताजी, और कितना झूठ बोलोगे आप? झूठ? कैसा झूठ बेटा? यही कि ये पैसे आप साइकिल बेचकर लाए हो। अरे नहीं नहीं, मैंने कोई साइकिल नहीं बेची है। मेरी साइकिल तो सच में खराब है, वो मिस्त्री की दुकान पर है। ये तो मैं मालिक से लेकर आया हूँ बेटे। बस कीजिए पापा, और कितनी सफाई देंगे? मुझे ये बताइए, जो भैया ने बोला क्या वो सच है? तब तुम्हारी स्कूल की फीस भी तो जमा होनी थी ना। तो क्या आप अपनी साइकिल बेच दोगे और अब काम पे पैदल जाओगे आप? मेरे बच्चों, तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपनी कमाई करके तुम दोनों को नहीं पढ़ा सकता तो धिक्कार है मेरे बाप होने पर। बहुत दिन से कोई काम नहीं मिल रहा था तो मजबूरी में मुझे अपनी साइकिल बेचनी पड़ी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द उसे उठा लूंगा। तुम बस ये फीस जमा कर दो। हाँ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बेटा। ठीक, मैं चलता हूँ। देखा बहन, पिताजी हमारे लिए कितना सब करते हैं। और देखना, एक दिन मैं पिताजी का सहारा जरूर बनूंगा और उनका सपना पूरा करूंगा। हाँ भाई, वो तो है, लेकिन क्या हुआ अगर पिताजी हमारे लिए करते हैं? तो सभी के पिताजी करते हैं, उन्हें तो हमारी पढ़ाई का खर्चा उठाना ही है। चल खैर, ये सब छोड़ और अब स्कूल चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। चल। अच्छा, पढ़ाई चल रही है दोनों की? अरे पिताजी, आ गए आप? हाँ बेटा। ठीक है पिताजी, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। और बेटा राजू, कैसी चल रही है पढ़ाई? पिताजी ठीक चल रही है पढ़ाई। अच्छा, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। हाँ पिताजी। और आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, एकदम बढ़िया। दवाई खा ली थी आपने टाइम से? हाँ, मैं दवाई मैंने खा ली थी। और वो जो पैसे मैंने दिए थे वो जमा कर दिए थे स्कूल में? हाँ पिताजी, वो तो सुबह ही कर दिए थे। अच्छा, कुछ कहा तो नहीं मास्टर जी ने? नहीं नहीं। अगर और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। ठीक है पिताजी। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो दोनों। पिताजी, ये लो पानी। क्या हुआ पिताजी, आपको जुखाम हो रहा है क्या? अरे हाँ बेटा, वो धूप से नजला हो गया। अच्छा, वो पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
हाँ बोलना बेटा। पिताजी हमारे स्कूल से ना हमारी क्लास के बच्चे टूर पे जा रहे हैं, तो मैंने अपना और भाई का नाम लिखवा दिया। उसके लिए 2500 रुपए चाहिए पिताजी, टूर की फीस है। 2500 रुपए? अरे कोई बात नहीं, मैं करता हूँ कुछ। हाँ तुम दोनों घूम कर आओ टूर पर। हाँ ठीक है पिताजी। तुझे पता है बहन पैसे कैसे कमाए जाते हैं? तूने तो मांग लिए पैसे, अभी सुबह तो दिए ही थे पिताजी ने पैसे, और तैने मेरे बिना मुझे टूर में नाम कैसे लिखवा दिया? मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मुझे नानी सुननी, मुझे जाना है तो जाना है। पिताजी अगर हम नहीं गए तो हमारी क्लास के बच्चे क्या सोचेंगे? बस मुझे तो पैसे चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, 2500 रुपए चाहिए ना? हाँ। मैं करता हूँ कुछ। हाँ तुम नाराज मत हो। हाँ बेटा मैं करता हूँ कुछ। अच्छा बहुत वक्त हो गया है, तुम दोनों आराम करो। हाँ जाओ। अब इतनी जल्दी मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगा? सुबह ही साइकिल बेचकर मैंने पैसे ला कर दिए थे, लेकिन अब मना भी नहीं कर सकता ना आरती को, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। देखता हूँ, करता हूँ कुछ। हे ईश्वर, किताब भी यहीं पर छोड़ दी। ने पिताजी से पैसे मांग तो लिए, और इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? पिताजी ने सुबह ही तो अपनी साइकिल बेची है, अब कहां से पैसों का इंतजाम करेंगे? पिताजी को फिर से टेंशन में डाल दिया। पिताजी कहां से लाकर देंगे इतने सारे पैसे? हे भगवान, मुझे इस लायक बना दे कि मैं अपने पिताजी का सहारा बन सकूं, और ये पागल पैसे मांगने पे तुली हुई है। हे भगवान, अब मैं इतने पैसे कहां से लाकर दूंगा? मेरे ऊपर तो पहले से ही बहुत सारा कर्ज आ जाए, लेकिन इनकी पढ़ाई भी होनी जरूरी है। अब मैं आरती को नाराज तो नहीं कर सकता ना, मैं ही तो बाप हूं उनका। मैं नहीं करूंगा तो आखिर कौन करेगा उनके लिए? लेकिन मैं पैसे लाकर दूंगा कहां से? साइकिल थी वो मैंने सुबह ही बेच दी, और बच्चों की फीस जमा कर दी। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा मुझे, ताकि मैं अपने बच्चों की खुशी पूरी कर सकूं, अपनी बेटी को पैसे लाकर दे सकूं। मैं आरती को नाराज करना नहीं चाहता, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, रात को कहीं मेहनत मजदूरी करता हूं, ताकि बच्चों को भी पता ना चले, क्योंकि सुबह मुझे ये कहीं काम पर जाने नहीं देंगे। यही सही रहेगा, मुझे अभी रात ही रात में पैसों की व्यवस्था करनी होगी। बच्चे सोए हुए हैं, अभी मौका है, अभी जाता हूं। आरती, ओ आरती, क्या है भैया, सोने हो ना? देखो ना पिताजी नहीं है यहाँ पर। अरे गए होंगे वॉशरूम करने, सो जाओ और मुझे भी सोने दो, सुबह स्कूल जाना है। मुझे पता है पिताजी कहाँ गए हैं, चल आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि पिताजी तेरी जिद पूरी करने के लिए क्या क्या करते हैं। चल पता नहीं कहाँ।
लेकर जा रहा है। ये अच्छी नींद आ रही है। भाई कहाँ लेके जा रहा है, मुझे नींद आ रही थी बहुत। चल तो सही, आज ये दिखाता हूँ। देख इतनी रात को भी पिताजी काम कर रहे हैं, वो भी तेरी जिद की वजह से। भाई मुझे नहीं पता था कि पिताजी मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं। और तुझे पता है उनकी कितनी तबीयत खराब है? भाई मुझे माफ कर दे, आगे से मैं कभी भी ऐसी जिद नहीं करूंगी जिसकी वजह से पिताजी को रात के 12 बजे काम करना पड़े। मुझे माफ कर दो भैया। माफ? माफी मुझसे नहीं, पिताजी से मांगना। और आज के बाद कोई ऐसी जिद मत करना कि पिताजी को इस तरह से काम करना पड़े। ठीक है भैया, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी जिद नहीं करूंगी। चल अब मेरे साथ चल। आरती, पिताजी मैंने आपसे पैसे मांगे थे, कहाँ है पैसे, लाओ दो। अरे हाँ वो मैंने इंतजाम कर दिया था। ये ले बेटा, पूरे 2500 रुपए हैं। पिताजी आपके हाथ में छाले। अरे बेटा वो बस काम करते हुए आ गए, तू फिक्र मत कर, तू ये पैसे ले और घूम कर आ। हाँ पिताजी आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो ना, आपकी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी इतनी मेहनत की। अरे बेटा तुम्हारे लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा, दो ही तो बच्चे हैं मेरे और तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई, और तो और बिना बात के फजूल खर्चे करवाती हूँ आपसे। पिताजी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं जाना कहीं भी घूमने। नहीं बेटा तू माफी क्यों मांग रही है? हाँ मैं बाप हूँ तेरा, सब कुछ तुम्हारे लिए तो करता हूँ। ठीक है पिताजी, आज आप कहीं नहीं जाओगे, घर पर रहो और मैं अभी आती हूँ। भैया, ओ भैया, आपको कहीं भी नहीं जाना है पिताजी, सुन लो मेरी बात। हाँ आरती। भैया चलें? हाँ चल। पिताजी मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लेना और उसके बाद दवाई खा के सो जाना, कहीं नहीं जाना है आपको। हाँ पिताजी, आरती ठीक बोल रही है। बेटा मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम देख लेंगे, आपको कहीं नहीं जाना, चलें भैया। ठीक है। ठीक है। ये साइकिल? हाँ पिताजी, हम ये साइकिल वापस ले आए। लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वही पैसे पिताजी जो आपने मुझे दिए थे, और मुझे ये भी पता है पिताजी कि वो पैसे आपके पास कहाँ से आए। कहाँ से आए मतलब? पिताजी आपको क्या लगा था कि आप रातों को उठकर हमारे लिए काम करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा? पिताजी जब मैंने आपसे टूर के लिए पैसे मांगे थे तब आप रात को उठ के काम करने गए थे,
और तभी भैया मुझे लेकर गए आपको दिखाने के लिए कि आप मेरी जिद के लिए कितना कुछ करते हो। पिताजी अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप मुझे मना कर देते रात को जाकर, और तबीयत खराब में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। बेटा जो कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए किया। लेकिन पिताजी अब आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। उस चीज के लिए मैं हूं ना पिताजी, आज से घर का और बाहर का सारा काम मैं संभालूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है इसलिए आज से आप कहीं नहीं जाओगे, आज से घर ही रहना। अरे बच्चे मकसद तू भी आ जा बेटा।